अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तिरंगा यात्रा निकलने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि कैंपस में तीन हिंदू छात्रों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित छात्रों ने थाना सिविल लाइन में देर रात को ही तहरीर दी। छात्र नेता का कहना है कि यूनिवर्सिटी में होने वाली फ्रेशर पार्टी के नाम को लेकर छात्रों के बीच मारपीट हुई। कॉलेज के बच्चों का फोन आया कि हम लोगों को यहाँ बुरी तरह मारा गया है, वॉशरूम में मारा है, कमरों में घुस के मारा है, 12-13 लड़कों ने आके मारा। तो जब मसला जानने की कोशिश की गई तो उन लोगों ने एक तहरीर लिख रखी थी जो अपने पूरे होशोवास में उन्होंने लिखी। उसमें लिखा कि कहीं ना कहीं मंदिर बनाने को लेकर मसला है, और एक उनकी फ्रेशर पार्टी होने वाली थी जिसमें नाम को लेकर भी विवाद उछला कि कुछ बच्चे कह रहे थे नाम उर्दू में होगा, लेकिन कुछ बच्चों ने ये कहा कि नाम मेडिकल टर्म में होना चाहिए, ना कि हिंदी उर्दू हम किसी एक पर्टिकुलर उसको क्यों टारगेट करें। जब हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो नाम मेडिकल टर्म पर होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा, ये अभी तिरंगा यात्रा देख रहे हैं, शायद से हो सकता है कि उसका भी कुछ रोज उसमें रहा हो। वहीं पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। SSP का कहना है कि माहौल खराब करने की कोशिश भी हो सकती है। हॉस्टल में था तो वहाँ पे कुछ लड़के, सुहेल जो प्रतिवादी पक्ष है, सुहेल और 2-3 लड़के आए और उसके साथ में मारपीट तुतू में हुई और हाथापाई हुई। उसके बाद में कुछ तथाकथित जो छात्र नेता हैं किसी एक पर्टिकुलर संगठन के, उनके द्वारा उसको बुलाया गया स्टेशन पे, और स्टेशन पे बुला करके उससे एक एप्लीकेशन पे साइन करवाया गया जिसमें ये सारे एलिमेंट्स को बाद में डाला गया कि तिरंगा यात्रा को लेकर के और एक पहले भी मंदिर को बनने को लेकर के AMU के अंदर एक एप्लीकेशन दी गई थी, ये सारे एलिमेंट डाले। भानु का ये कहना है कि उसको इन एलिमेंट्स के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। अभी भानु से बात हुई है, अभी उसने हमारे को वीडियोग्राफी के अंदर बयान भी दिया है, और एक उसने अपनी साथ में तहरीर दी है, उसके पिताजी भी साथ में थे, जिसमें उसने लिखा है कि केवल दोनों विवाद जो था वो विवाद उनके फ्रेशर पार्टी जो हो रही थी उसके नाम को लेकर के एक छोटा सा विवाद था, उसी विवाद के बीच में दोनों छात्रों के बीच तूतू मैमे हुई है और कहा सुनी हुई है। अभी प्रॉक्टर ने भी उन दोनों छात्रों को बुलाया है। मेरा ये कहना है कि जो ये छात्र नेता तथाकथित हैं, इनके द्वारा जो धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए कार्रवाई की गई है, उन पर ज़्यादा कार्रवाई करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है कि ताकि हर छोटी छोटी घटना में इस तरह के एंगल को ना लाया जाए। SSP ने ये भी कहा है कि घटना को गलत तरह से ना लिया जाए। बहरहाल मामले की सच्चाई का खुलासा तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। अलीगढ़ से अर्जुल वाशने की रिपोर्ट।